एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, ठीक है। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें चाहिए एक एनवायरनमेंट। टेक्निकली इस एनवायरनमेंट को और अच्छे नाम से बोलते हैं, उसे कहते हैं आईडीई। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, डी का मतलब होता है डेवलपमेंट और ई का मतलब होता है एनवायरनमेंट। ओके, अब इसका मतलब क्या है? तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं किसी एक लैंग्वेज में, जैसे अभी हमारे पास सी लैंग्वेज है, ठीक है जी। हमने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया, तो हमने लिखा मेन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और बहुत सारी लाइनें यहाँ लिखी, मेन को बंद कर दिया। अब ये लिख दिया हमने प्रोग्राम, तो सबसे पहले जहाँ पे भी ये प्रोग्राम लिखा जाता है, तो जो भी टूल हम इसके लिए यूज़ करेंगे वो हो गया हमारा एडिटर। तो एडिटर किस लिए चाहिए? प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। एडिटर में लिख दिया प्रोग्राम, अब ये सीधे सीधे एग्जीक्यूट तो होगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा। तो जो प्रोग्राम इसको कंपाइल करेगा, कंपाइलेशन का सीधा सीधा मतलब है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का सीधा सीधा मीनिंग क्या है? सीधा सा मीनिंग ये है ट्रांसलेशन का कि ये तो लिखे हैं नॉर्मल बाइनरी में टेक्स्ट। शिफ्ट करेगा सर। एग्जैक्टली, ये है नॉर्मल टेक्स्ट जो हम लोग समझते हैं, मेन लिखा है, कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ कोई प्रिंट एफ लिखा है, स्कैन एफ लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर थोड़ा ना जानता है मेन को। तो कंप्यूटर को ये सारी चीज़ें या इसके अंदर में ये जितने भी आपने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो कंप्यूटर को कैसे चाहिए? बाइनरी पे चाहिए, 1 0 1 0 1 0, फिर उसके बाद 0 1 0 1 0 1, फिर 1 0 1 0, कुछ इस तरीके से वो अपना बनाएगा। तो इन सारे स्टेटमेंट को जब आप 0 1 0 1 में ट्रांसलेट कर लेते हो, तो ये काम कौन करता है? ट्रांसलेटर करता है, और इसी का ही टेक्निकल नाम है कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर जब ये कंपाइल कर लेगा तो आपकी एक नई फाइल बन जाएगी, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट कोड। अब ये ऑब्जेक्ट कोड तैयार है क्योंकि ये 0 1 0 1 में है, अब ये एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको रन करने के लिए तैयार है। तो रन कौन करेगा? रन कौन करेगा? ऑपरेटिंग हाँ, बेसिकली सिस्टम स्टार्ट तो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, लेकिन रन करवाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये सारे के सारे कोड को रैम में, RAM, और ये मैं ऐसे एक छोटी सी लाइन खींच देता हूँ, इस रैम में ऐसे लोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो सबसे पहले कोई तो इसको लोड कर रहा है, तो ये हो गया लोडर। ये काम कौन करेगा? लोडर। तो लोडर सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट कोड को रैम में कहीं ना कहीं लोड करेगा। जब एक बारी लोडर ने लोड कर दिया, तो एक और कंपोनेंट होता है लिंकर। अब लिंकर का काम क्या सर। है? कभी कभी आपने देखा टर्बो सी में एक लिंकर एरर आती है? प्रोग्राम बना रहे हो आजकल सभी लोग, आती है ना एक लिंकर एरर? आती नहीं आती? होता क्या है सर ये सब ये सब, लोडर और लिंकर? ये सब के सब अंदर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में। जब हम कहते हैं ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनका मदद कर रहा होता है, इनकी इन इन इनका यूज़ कर रहा होता है। लोडर को बोलेगा कि लोड करो, लिंकर को बोलेगा कि भाई लिंक भी करो, और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को बोलेगा कि भाई अब एग्जीक्यूट करो। तो करेगा तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसीलिए मैंने ये लाइन खींची है। ये लाइन पूरा का पूरा बता रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में भी ये कुछ कुछ कंपोनेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, जो अपना इंडिविजुअल काम करेंगे। तो सबसे पहला टूल है लोडर जो लोड करेगा, फिर है लिंकर। पहले ये बताओ लिंकर एरर सभी ने देखी कि नहीं देखी? अब इतने प्रोग्राम बना लिए सबको पता होना चाहिए, आती ना लिंकर एरर? यह सर आती है। लिंकर एरर कब आती है? जब आपने CLRSCR लिखना था, ब्रैकेट लगाना था, और गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया CLSCR, और फिर ढूंढते रहते हो सर ये तो एरर मार रहा है, एरर मार रहा, और वो एरर होती है लिंकर एरर, वो एरर ही होती है लिंकर एरर। लिंकर एरर का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप ये CLRSCR यूज़ कर रहे हो, और प्रोग्राम बनाते समय सभी को पता है कि ये जो CLRSCR कहाँ होती है? कोनियो डॉट एच के अंदर में, कोनियो डॉट एच में ठीक है।
तो कोनियो डॉट एच एक सेपरेट फाइल है, उस सेपरेट फाइल को लिंक करना पड़ेगा आपके प्रोग्राम के साथ में। तो ये काम कौन करेगा? लिंकर करेगा, समझ में बात। तभी तो उसको सी एल आर एस सी आर के बारे में पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। अब आप गलती क्या कर देते हो, सी एल आर लिखना था, सी एल लिख दिया, एस सी आर लिख दिया, फिर ढूंढते रहते। और वो बेचारा जो अपना टर्बो सी है वो बता रहा होता है कि सी एल एस सी आर में लिंकर एरर है। लिंकर एरर का मतलब है कि सी एल एस सी आर फाउंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। लिखना चाहिए था सी एल आर एस सी आर, लिख दिया सी एल एस सी आर, इसलिए वो लिंक नहीं हो पा रहा। लिंक नहीं हो रहा तो ये किसकी प्रॉब्लम है? लिंकर की प्रॉब्लम है। तो एक हो गया लोडर, एक हो गया लिंकर। तो ये दोनों का यूज़ करेगा कौन? करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो लोडर का काम क्या है? इस पूरे ऑब्जेक्ट कोड को रैम में लोड करना। लिंकर का काम क्या है? कि जो आप ये फंक्शन यूज़ करते हो सी एल आर एस सी आर गेट सी एस टाइप के, इनको आपके प्रोग्राम के साथ में, आपके ऑब्जेक्ट कोड के साथ में लिंक करना। तो जब ये पूरा लिंकिंग हो जाएगी तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को बोलेगा, यहाँ पे कहीं पे सीपीयू होगा, वो सीपीयू को बोलेगा कि भैया अब ये पहली लाइन को पकड़ो एग्जीक्यूट करो, फिर सेकंड को पकड़ो एग्जीक्यूट करो, थर्ड को पकड़ो एग्जीक्यूट करो, सो ऑन सो फोर्थ। और ये सीपीयू तब रुकेगा जब ये पूरे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपको आउटपुट स्क्रीन दिख जाएगी, ठीक है। तो ये है पूरा एनवायरनमेंट जिसमें हमारा कोई भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। तो अब हमारे को तीन चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये जो लास्ट वाली जो चीज़ है ना, ये लास्ट वाला जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लिखा हुआ और ये सारा एग्जीक्यूशन का सीन बताया, इसी को टेक्निकली कहते हैं रन टाइम। टेक्निकली इसको क्या कहते हैं बोलो? रन टाइम। अब मैं इन तीनों चीज़ों को छोटे फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि IDE मतलब है एडिटर प्लस कंपाइलर प्लस रन टाइम। इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपको कभी भी प्रोग्रामिंग करनी हो और किसी भी लैंग्वेज में करनी हो, ऐसा नहीं कि सी में करनी है, सी प्लस प्लस में कुछ और हो जाएगा, नहीं भैया, सी में भी वही होगा। एक एडिटर चाहिए होगा जिसमें आप टाइपिंग करोगे, एक कंपाइलर चाहिए होगा जो सी प्लस प्लस के कोड को कंपाइल करेगा बाइनरी कोड में, यानी कि 0101 में, और फिर एक रन टाइम चाहिए होगा। रन टाइम अपने आप में क्या है? रन टाइम अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी किन की मदद ले रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर की मदद ले रहा होता है, थोड़ा हाँ, और लिंकर की मदद ले रहा होता है। लोडर और लिंकर की वजह से ही आपका ये रन टाइम जो है, आपके जो ऑब्जेक्ट कोड है, कंपाइल्ड कोड है, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों का होना जरूरी है, समझ में आई बात, ठीक। अब समझ में आ गया तो हम कौन कौन से IDE यूज़ करते हैं? भैया बहुत सारे हैं। पहला IDE है आपका टर्बो C++, जिसका एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन आप यहाँ पे देखोगे। तो यहाँ से हम लोगों ने टर्बो C++ विंडोज़ 10 के लिए इंस्टॉल किया हुआ है। जब भी आप इसको ओपन करोगे तो इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा। क्लिक करोगे टर्बो सी या स्टार्ट टर्बो C++ पे, तो आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट वाली विंडो में ये जो आपका IDE है, IDE इसको क्या बोलेंगे, IDE है, वो आपका ओपन हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में कुछ नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इसके ऊपर मैं काम करने के लिए कुछ कुछ शॉर्टकट्स आपको याद रखने होंगे। आप देख लो किसी भी मेन्यू में, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ करता हूँ। आपको भी मैं एडवाइस करूँगा कि कीबोर्ड का यूज़ करो, ये परफेक्टली काम करता है कीबोर्ड के साथ में। कीबोर्ड में हर चीज़ को ओपन करने के लिए शॉर्टकट बने हुए हैं। जो भी पहला लेटर है मेन्यू में, ये मेन्यू है, ये भी मेन्यू है, ये भी मेन्यू, ये भी मेन्यू। अभी एरो की से मैं राइट और लेफ्ट को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। मुझे मान लो फाइल खोलनी है, तो जो भी पहला लेटर है उसको ऑल्ट की के साथ में अगर मैं दबाऊंगा तो वो मेन्यू खुलेगा। जैसे मान लो मुझे फाइल खोलनी है, तो मैंने ऑल्ट की दबाई और F दबाया तो फाइल मेन्यू खुल जाएगा। उसके बाद अगर मुझे मेन्यू हटाना है तो एस्केप की दबा करके वो मेन्यू हट जाएगा। मान लो मुझे ऑप्शंस देखने हैं, तो आपके पास शॉर्टकट की है ऑल्ट ओ, तो ऑल्ट ओ दबाओगे तो ऑप्शंस है। इस मेन्यू में ऊपर नीचे जाने के लिए आपके पास एरो की बनी हुई है, डाउन एरो, अप एरो, ये सब बने हुए हैं। किसी एक मेन्यू पर जाकर जब मैं अगर, हाँ, डीबगर क्या होता है सर? अभी तक पता नहीं चला हूँ। डिबगर, डिबगर
जब आप एरर आ जाती है ना, तो एरर को खोजते हो, तो खोजने वाला काम डिबगर है। ठीक है, अभी हमने यूज़ नहीं किया, पर एक दिन कभी दिखाऊंगा मैं तुमको कि डिबग कैसे करते हैं कोड को। ठीक है, एक बग, बग का मतलब क्या होता है, एरर, उसको डीबग एरर। करना मतलब एरर को ढूंढना। एरर आ गई है कोड में, एरर आ गया, उसे ढूंढना है। तो ढूंढने का भी एक तरीका होता है, एक टूल होता है डिबगर, उसको कहते हैं। डिबगर कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे, ठीक है, बाद में। तो अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मली इस आईडी के ऊपर मैं काम कैसे करना है। ठीक है, तो अब आपके पास बहुत सिंपल ऑप्शन है। आप जब भी आओगे, आपको एडिटर चाहिए, तो आप आएंगे फाइल मेन्यू में, तो आप करोगे ऑल टैब, इसके बाद एरो की से आप ऊपर नीचे जा सकते हो। अभी आपको न्यू करना है, तो आप न्यू पे जाके क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके की विंडो ओपन होगी। अब आप देख रहे हो, ये देखो हाफ दिखाई दे रही है। तो इसको ठीक करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है F5। कीबोर्ड पे अगर F5 दबाओगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, फिर से F5 दबाओगे तो छोटी हो जाएगी। तो F5 से ये टॉगल करता है हाफ फुल हाफ फुल हाफ फुल, इस तरीके से। ठीक है, अभी फिलहाल हमें फुल स्क्रीन चाहिए, F5 दबा दो। ठीक, अच्छा, सबसे पहला नियम मैंने आपको बता रखा है, ताकि आपकी गलतियाँ ना हो। तो अभी जो आप फाइल का नाम देख रहे हो, ये है noname00.cpp। एक्सटेंशन क्या है? CPP। CPP का मतलब क्या हुआ? C++। हमें कोड किस में करना है? C में। तो हमारी फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? .c। तो सबसे पहला काम आप करोगे ऑल्ट एफ, यहाँ नीचे जाओगे सेव पे, एंटर मारोगे, और एक नाम से, जैसे मैं लिख देता हूँ FIRST first.c, एक नाम से first.c नाम से मैं इसको सेव कर लूँगा। अच्छा, अब गलतियाँ कहाँ होती है, बच्चा गलतियाँ क्या करता है, वो ऐसे लिखेगा फर्स्ट PR फिर .c। स्पेस अलाउड नहीं है, कभी भी फाइल का नाम लिखोगे स्पेस अलाउड है ही नहीं, स्पेस भी नहीं अलाउड है, कोई स्पेशल सिंबल भी अलाउड नहीं है। मान लो आपने डॉलर सिंबल लगा दिया, ये भी अलाउड नहीं है। नॉर्मल अच्छा, प्लेन लेटर और नंबर अलाउड है, और स्पेस कभी भी नहीं होना चाहिए, और लेंथ भी छोटी होगी। लेंथ का मतलब हो गया कि अगर आप नो नेम को पढ़ो तो कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर है। ठीक है, तो 8 कैरेक्टर की लेंथ है, इस इतने के अराउंड ही आपने रखना है। तो मैं अभी रख देता हूँ first.c, और एंटर मार के इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये मेरी कौन सी फाइल बन गई? .c वाली फाइल बन गई। ठीक है, सबसे पहला लाइन सभी को पता है, जब भी हम प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहली लाइन आपको लिखनी होती है include stdio.h। क्यों लिखेंगे अभी बताएंगे। फिर दूसरी लाइन लिखते हैं include कौन आयो डॉट एच। फिर होता है मेन, दो ब्रैकेट लगेंगे, फंक्शन है ये, फिर दो कर्ली ब्रेसेस, और इस तरीके से हम अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो ये है आपके पहले सी प्रोग्राम का सबसे पहला स्ट्रक्चर। ऊपर दो लाइन है, इंक्लूड एसटीडीआईओ डॉट एच कोनियो डॉट एच, और नीचे मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस। अब जो भी कोड करना है मेन फंक्शन के अंदर करना है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, सभी लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। अब यहाँ इंट सबसे मेन क्यों मेन, नहीं लिखते हैं सर? इंट मेन जैसे मैं वीएस कोड में करता हूँ सर, तो इंट हाँ मेन लिखना हाँ पड़ता वो भी मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि आपका फंक्शन, कल हमने डेटा टाइप पढ़े थे, तो हमने ये बोला था कि देखो आपके डेटा टाइप फंक्शन पे भी लगते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो इंट मेन, इसका मतलब ये है मेन एक फंक्शन है जो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आप ऐसे लिखते हो तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट और लिखना पड़ जाता है, रिटर्न 0 या 1, जो भी समझे। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ क्यों पे इतना रिटर्न, रिटर्न? फंक्शन, फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, फंक्शन क्या होता है, जब आप फंक्शन को पढ़ेगा, जब मैं इसके बाद वाले में फंक्शन पूरा बताऊंगा ना डिटेल में, तब समझ में आएगा कि एक फंक्शन जो बनाते हैं, उस फंक्शन में एक तो पैरामीटर होते हैं, यहाँ पैरामीटर देते हैं, और नीचे यहाँ पे कुछ काम हो रहा होता है। जब ये काम हो जाता है तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं, कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहे होते हैं। तो ये प्रोटोटाइप है फंक्शन का, एक लिखने का एक तरीका है, सिंटेक्स है, इसे कहते हैं प्रोटोटाइप। तो उस प्रोटोटाइप को तब हम समझेंगे जब हम फंक्शन वाले चैप्टर पे आएंगे। अभी फिलहाल हमें मान लेते हैं, और गलतियां ना हो तो आप चाहे इंट मेन लगाओ, या ऐसे लिखो वॉइड मेन, या कुछ मत लिखो, कुछ
कुछ नहीं लिखोगे तो भी वो उसको वॉइड समझता है। तो अभी फिलहाल ये मान के चलो कि हमें एक मेन फंक्शन है जिसका अपना एक प्रोटोटाइप है, उस प्रोटोटाइप के हिसाब से यहाँ पे अगर इंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि ये मेन फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, और रिटर्न करेगा तो यहाँ पे वो बताना भी पड़ेगा कि क्या रिटर्न कर रहा है, 0 कर रहा है, 1 कर रहा है, या कोई और वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अपने हिसाब से आप लोग लिखोगे। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप कुछ मत लगाओ, कुछ नहीं लगाएंगे इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि अभी ये मेन फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, और कोई भी पैरामीटर इसमें नहीं आ रहे, तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई भी पैरामीटर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से हमें कुछ रिटर्न लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो हमारा एक थोड़ा सा टेंशन कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम मेन फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा समझ में आ रहा होगा कि कितने तरीके के सिग्नेचर हो सकते हैं, तो अभी बताऊंगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो फिलहाल जब तक हमें कुछ नहीं है स्पेशल चीज़ पता, तो हमने लिखा कि भैया मेन लिखो, ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ कोडिंग करेंगे। अब कोडिंग का तरीका क्या होता है, तो यहीं पर ही हम आज एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें हम लोग समझेंगे कि इनपुट डेटा कैसे लिखना है प्रोग्राम में, और फिर उस इनपुट डेटा को आउटपुट पे कैसे देना है। तो इनपुट डेटा का मतलब है हमारे पास दो तरीके हैं, सबसे सिंपल तरीका क्या है, भैया वेरिएबल बनाओ और वेरिएबल में अपना इनपुट डेटा रख लो, और दूसरा तरीका है कि भैया यूज़र से भी पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम देख लें कि एक प्रोग्राम में इनपुट को कैसे लिया जाता है। एक बार इनपुट ले लिया उसके ऊपर काम करेंगे, काम करने के बाद में जो भी आउटपुट बनेगा उसको आउटपुट को दिखाना है, तो आउटपुट कैसे दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दो फंक्शंस की ज़रूरत होती है, वो पहले से बने हुए हैं। इनपुट को या आउटपुट को दिखाना है तो हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है प्रिंट एफ, ठीक है। अब प्रिंट एफ के भी दो वेराइटी हो जाती है, तो सबसे पहले बात हम लिखेंगे प्रिंट एफ स्पेस, फंक्शन है तो ब्रैकेट अंदर लिखेंगे, सपोज मैं अभी एक छोटा सा लिख देता हूँ, माई नेम इज एक्स वाई जे, ऐसे हमने कोई एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग लिख ली, इसको डबल कोट में लिखा और बंद कर दिया। अब एक और नियम है कि एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय दिस सेमी कॉलन, बट जैसे जैसे ए फॉर वायर स्विच केस ब्रेक को पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे उनके साथ में, तो पता चलेगा कि वहाँ नहीं लगाते हैं। तो सिर्फ नॉर्मल स्टेटमेंट आप इस तरीके का लिख रहे हो जैसे प्रिंट एफ है या ए प्लस बी है, तो वहीं पर ही हम हर एक स्टेटमेंट के पीछे क्या लगाते हैं, एक टर्मिनेटर लगाते हैं, दैट इज सेमी कॉलन, ठीक है। तो अब आप कर दिए प्रिंट एफ को यूज़, ये प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कर दिया, लेकिन ये प्रिंट एफ फंक्शन कहाँ है तो पता होना चाहिए। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन है कहाँ, एस टी डी आई ओ डॉट एच में, तो इसीलिए हम लोगों ने एस टी डी आई ओ डॉट एच को इंक्लूड किया। तो पहले से एक लाइब्रेरी या हेडर फाइल बनी है एस टी डी आई ओ डॉट एच, वहाँ रखा हुआ है प्रिंट एफ फंक्शन, क्योंकि हमें प्रिंट एफ फंक्शन चाहिए इसलिए हम लोगों ने एस टी डी आई ओ डॉट एच को इंक्लूड किया, समझ में आई बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चलो पहले इतना हम लोग चलाते हैं, अब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, एडिटर का काम हो गया, दिस इज़ योर एडिटर, एडिटर पे टाइपिंग का काम ख़त्म हो गया, इस एडिटर को हम सेव कर लेते हैं, यानी कि मैंने अपनी फाइल को सेव कर लिया, फाइल का नाम है फर्स्ट डॉट सी। अब क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ऑल्ट सी, ठीक है। ऑल्ट सी में यहाँ पे शॉर्टकट भी बनाया, ऑल्ट एफ नाइन, नॉर्मली मैं ऑल्ट सी करके मेन्यू में गया और यहाँ पे एरो की से मैंने पहले वाले कंपाइल ऑप्शन को क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने किया तो ये इस पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंपाइलेशन, ये 010101 बना रहा होगा उस फिगर के हिसाब से, क्या बना रहा है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के लिए एक पूरा 010101 का सीक्वेंस बना दिया। तो स्टार्टिंग से लेके मेन फंक्शन से लेकर के नीचे तक जितना भी ये कोड है ये 010101 में बन चुका है। अभी यहाँ पे इसने साफ साफ बता दिया कि यहाँ पे एरर तो कोई नहीं है, वार्निंग एक है, और वो वार्निंग भी सिर्फ वो मेन की वजह से है, ठीक है। तो हमारा काम हो गया, और वार्निंग भी क्या है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, ये सिर्फ वार्निंग है, इसकी वजह से काम रुकेगा नहीं। वार्निंग और एरर में क्या है, वार्निंग सिर्फ एक चेतावनी है और एरर का मतलब है काम ही नहीं होगा, ठीक। तो फिलहाल हमारे पास एक वार्निंग आ रही है और हमारे पास ये पूरा कंपाइलेशन हो गया। अब कंपाइल हो गया, अब एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने का मतलब है रन टाइम को देना। रन टाइम कैसे मिलेगा, तो आपको पता है ऑल्ट आर में जाएंगे, वहाँ पे कंट्रोल एफ नाइन दबा दो, या रन पे आके एंटर की दबा दो, तो आपका प्रोग्राम हो जाएगा रन,
ठीक है, अब ये रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन स्क्रीन दिखाई नहीं दी, ऐसा टर्बो सी में होता है। रन तो हो गया, स्क्रीन दिखाई नहीं दी, ठीक है। तो बताओ स्क्रीन को होल्ड करने के लिए क्या लगाते हैं? स्कैनर स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, कंसोल को होल्ड करने के लिए। गेट सी अच्छा हाँ, आउटपुट आ रहा है, रन भी हो रहा है, लेकिन स्क्रीन होल्ड नहीं हो रही है। तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए अलग से एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, गेट सी एच। गेट सी एच कहाँ होगा? जर्कोनियो में अच्छा कोनियो डॉट एच में, इसीलिए हमें दूसरी फाइल यहाँ इंक्लूड करनी होती है, कोनियो डॉट एच। ठीक है, तो अब कोनियो डॉट एच करनी है, क्योंकि हमें गेट सी एच है। गेट सी एच कहाँ होता है? कोनियो डॉट एच में होता है, इसलिए कोनियो डॉट एच को इंक्लूड करो और फिर गेट सी एच को यूज़ करो। तो अब हमारे पास प्रोग्राम बिल्कुल रेडी हो गया। जब भी आप कुछ भी चेंजेस करते हो प्रोग्राम में, प्लीज़ सेव द प्रोग्राम, क्योंकि कभी कभी टर्बो सी का एडिटर क्या होता है, एकदम से बंद हो जाता है। बंद हो गया तो फिर आपको सेव्ड फाइल मिलेगी नहीं और आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए क्या करो, सेव करो। अब फिर से वही कर लेते हैं, ऑल्ट आर रन। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे आउटपुट। मैंने अभी एग्जीक्यूट करा तो सेकेंड लाइन है माई नेम इज़ एक्स वाई जी, लेकिन पहले भी माई नेम इज़ एक्स वाई जी आया हुआ है। वो कौन सा आउटपुट है? पहले टाइम का एग्जीक्यूशन, जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करा था और स्क्रीन दिखाई नहीं दी थी, तब का आउटपुट है माई नेम इज़ एक्स वाई जी। अभी का आउटपुट है माई नेम एक्स वाई जी। एंटर मार लेता हूँ और एक बार और रन कर लेता हूँ। तो अब एक और आउटपुट दिखाई देने लगा। तो अब हो क्या रहा है, आपकी स्क्रीन पे हाँ क्लियर बार बार क्या हो रहा है, एक आउटपुट रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा। तो आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम या एवरी टाइम जब भी आपका आउटपुट प्रिंट हो, पहले वाला आउटपुट क्लियर हो जाए। तो क्या लगाते हैं उसके लिए? सी एल आर एस सी आर, आए समझ में? और सी एल आर एस सी आर कहाँ होता है? ये भी होता है कोनियो डॉट एच में। तो इसीलिए हमें कोनियो डॉट एच को इंक्लूड करना होता है। अब अगर आप बार बार अपने प्रोग्राम को चलाओगे, ऑल्ट एफ कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ऑल्ट आर कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, तो आपको बार बार एक ही आउटपुट दिखाई देगा, माई नेम इज एक्स वाई जी। चलो एक बार और चला लेते हैं कन्फर्मेशन के लिए, माई नेम इज एक्स वाई जी। ठीक है, तो ये हो गया सबसे सिंपल तरीका कैसे हम आउटपुट जनरेट करते, आपके प्रोग्राम का आउटपुट आपके कंसोल स्क्रीन पे कैसे आएगा। ठीक है, तो इस छोटे से सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन पे हमने ये सीख लिया कि एडिटर क्या है, किस लिए यूज़ होता है, कंपाइलर क्या है, वो क्या करता है, और फाइनली रन टाइम का मतलब क्या है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। तो एग्जीक्यूशन करते समय एक्चुअली में तीन कंपोनेंट काम कर रहे होंगे। कौन सा? लोडर, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी 010101 बना है, इसको कहाँ लोड करेगा? रैम में करेगा, यस और नो? मैं ठीक है। यस दूसरा कंपोनेंट कौन काम करेगा? लिंकर। लिंकर क्या करेगा कि ठीक है, प्रिंटर तो आपका कोड है, आपने लिखा, लेकिन सी एल आर एस सी आर तो पहले से लिखा हुआ ना, और गेट सी एच पहले से लिखा हुआ है। सी एल आर एस सी आर और गेट सी एच दोनों कहाँ है पहले से? कहाँ है? कोनियो डॉट एच स्टूडियो में। और कोलियो में तो सर सी एल आर एस सी आर का कोड और गेट सी एच का कोड को लिंक करेगा। कौन करेगा? लिंकर करेगा। तो जब जब आपका भी कोड और ये सारे लिंक हो गए, तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट कोड है परफेक्टली रेडी हो गया किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए। अब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी रन टाइम एक्चुअली प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा कंपोनेंट। ठीक, समझ में आई बात? यहाँ तक किसी को डाउट? आप लोग अब बहुत सारे प्रोग्राम बना चुके हो तो डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारे को ब्रशअप करने के लिए, रिवाइज करने के लिए एक बार फिर से समझा दिया कि ये कैसे इस एनवायरमेंट के ऊपर में हम काम करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। अभी अभी मैंने बताया था कि जनरली जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, तो प्रोग्राम में इनपुट करके, इनपुट को देने के, डेटा को इनपुट बनाने के दो तरीके हैं। सर सर हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हरिओम कुछ पूछ रहे थे सर रिटर्न जीरो क्यों नहीं लिखे वहां पे सर, अगर कोनियो नहीं होता है स्टूडियो डॉट एच होता है तो रिटर्न जीरो लिखते हैं। नहीं, ना ना ना, जब जब यहाँ पे मेन लिख दिया, मेन के आगे, यस ये अभी तो मेन लिखा मैंने, अगर मैं लिख देता इंट मेन, ठीक है, यस सर तब मुझे यहाँ से रिटर्न जीरो लिखना पड़ता। ठीक है, यस इस लाइन,
इस फंक्शन का मतलब हो जाता है कि मेन एक फंक्शन है जिसमें कुछ ना कुछ होगा और एट लास्ट कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी, और कैसी वैल्यू रिटर्न होगी, इंटीजर वैल्यू रिटर्न। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, अभी भी प्रोग्राम चलाओ कोई दिक्कत नहीं, देखो अभी सेव कर लो और अभी रन कर लो, परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे इंट मेन यूज़ कर लिया तो इसलिए रिटर्न लिखना ज़रूरी हो जाएगा, और अगर आप नहीं लिखते हो इंट मेन तब आपको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, निकल जाएगा हाँ तभी आराम से सर। रिटर्न वॉइड लिखना में भी चाहिए। जरूरी होता है, किस में वॉइड VOID। वॉइड भी जरूरी नहीं है, देखो अगर कुछ लिखा है नहीं लिखा तो वॉइड है, वॉइड का मतलब है नो डेटा टाइप। अगर आपने कुछ नहीं भी लिखा तब भी वो समझेगा वॉइड। ठीक है, अब देखो वॉइड है तब भी यहाँ से रिटर्न करने की जरूरत नहीं, वॉइड का मतलब ही है नो रिटर्न, नथिंग। ठीक है, जब जीवन में कोई ऐसा काम आ जाता है जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसे बोलते हैं वॉइड है, कुछ भी डिफाइंड नहीं है तो उसे बोलते हैं वॉइड है। ठीक है, तो वॉइड का मतलब नथिंग। तो वॉइड मेन भी लिखा है तब भी तुम्हें रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपका प्रोग्राम बढ़िया तरीके से चलेगा, रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यस और नहीं भी लिखोगे तो भी वो क्या समझा जाएगा, वॉइड है, तब भी वो क्या समझा जाएगा, वॉइड। ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा एक आइडिया देता हूँ, बस तुम्हें एक हल्का सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है इस चीज़ का कि अगर इनपुट की बात करते हैं ना, अपने प्रोग्राम में इनपुट देने की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हमें कोई ना कोई डेटा चाहिए अपने प्रोग्राम में, तो जिस टाइप का डेटा चाहिए उस टाइप का वेरिएबल बनाओ और रख दो। एक तरीका तो सिंपल तरीका ये है, और एक दूसरा तरीका है कि पूछ लो भाई यूज़र से, यूज़र से भी तो पूछ सकते हैं। तो जब हमारे को बहुत छोटा प्रोग्राम बनाना है तो हमने सारा डेटा रख दिया जी, हमने कहा अच्छा एक चार रखना है, तो हमने कहा कि ठीक है एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए और उसमें रख लेता हूँ चार को, ऐसे भी तरीका होता है। अच्छा मैंने कहा एक रखना है मुझे वैल्यू 4.5, तो मैंने कहा ठीक है एक फ्लोट वेरिएबल बनाता हूँ बी और कहीं बी में जाके क्या रख लेता हूँ 4.5, ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, अच्छा फिर मैंने कहा चलो इनको सम करता हूँ और इनका सम सी में रख लेता हूँ। तो अब मैंने दिमाग लगाया तो मैंने कहा इनका सम, इसका मतलब हो गया ए इंटीजर है बी फ्लोट है, तो एक फ्लोट एक इंटीजर दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा, फ्लोट बन जाएगा, और फ्लोट बनेगा तो मेरे को क्या चाहिए, एक फ्लोट वेरिएबल चाहिए फ्लोट सी, और फिर सी में मैं रख दूंगा ए प्लस बी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो रहा तो पूछो। इंट ए में सर वहां पे आप सेमी कॉलम नहीं लगाए, डायरेक्ट इक्वल टू देके 4 उसके बाद सेमी कॉलम लगाए सर। हाँ, इंट लिखा ए बनाया और यहीं पर ही बनाने के साथ में ही चार भी असाइन कर दिया मैंने, तो ऐसा भी कर ऐसे ही सकते सर हो। फ्लोट भी हो सकता हाँ फ्लोट भी ऐसे ही हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, था मैं ना, तुम्हें, कुछ नहीं हाँ है तुम्हें वेरिएशन समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा बस। फिर सिंगल कोट और डबल कोट में नहीं लिखेंगे 4 को, नहीं वो कैरेक्टर हो जाता हाँ है। वो कैरेक्टर होता है, अभी तो हम नंबर ले रहे हैं ना, एक इंटीजर ले रहे हैं एक फ्लोट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास तीसरा चीज आया कि ठीक है भैया ए में बी जोड़ देंगे और जो भी सम आएगा उसको सी में रख लेंगे। अब बात आई कि सी को प्रिंट करना है, तो आपने कहा कि ठीक है प्रिंट एफ और यहाँ पे लिखेंगे सी इंटीजर है, सॉरी सी कैसा है फ्लोट है, तो क्या लिखेंगे एफ फंक्शन एफ इंट हाँ एफ और सी को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें एंड नहीं लिखेंगे, एंड एंड तो स्कैनफ में लिखते हैं ना। वो स्कैनफ में लिखते हैं, वही सब वही वही अच्छा समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो हाँ फिलहाल समझ सॉरी समझ सर। पाए। हाँ सर अगर 2 डेसिमल तक करना हुआ तो हाँ तो यहाँ पे 0.2% एफ से पहले एक आता है हाँ पॉइंट ऐसे लगा दो। अच्छा हाँ तो वो बोलेगा कि अच्छा पॉइंट भी लगाना है और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लगाने हैं, ऐसे समझेगा वो। ठीक है, ठीक, ओके तो अभी सर। फिलहाल मैं वहाँ तक नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे आपकी चीज़ें इनपुट हो रही हैं और प्रिंट हो रही हैं। और सर मैक्सिमम रेंज कितना जाता है सर? मैक्सिमम तो डिपेंड करेगा ना कि कौन सा डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हो। अच्छा प्रिंटिंग के टाइम पे प्रिंटिंग कर रहे हो, हाँ प्रिंटिंग के टाइम पे यस प्रिंटिंग के सर। बाद में पॉइंट के बाद में 7 प्लेसेस जाती हैं डिस्प्ले में, तो 7 प्लेसेस जाती हैं पॉइंट के बाद। अच्छा हाँ 14 तक भी चली जाती हैं। ठीक है, डबल होगा तो 14 प्रिसीजन और फ्लोट होगा तो 7 प्रिसीजन, 7। सर ठीक है,
ठीक, तो अभी ये फिलहाल समझ में आए, ठीक है? यस कैसे है सर। तो ये देखो, यहाँ पे कोई अगर पूछे प्रोग्राम में डेटा देना है, हाँ जी भैया डेटा देना है, डायरेक्टली दे दो ना, यहाँ डायरेक्टली दे दिया, यहाँ तो पर उसके ऊपर में काम कर रहे हैं, फिर बाद में उसको आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये तो करना है, ये हो गया एक तरीका। अच्छा दूसरा तरीका क्या होता है, स्कैनअप, जिसमें हम क्या पूछते हैं, यूजर से पूछते हैं, ठीक है? तो अब यूजर से भी पूछने का तरीका देख लो। इंट मेन, आपने कहा कि एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें एक इंटीजर रखेंगे, तो आपने कहा कि ठीक है एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए, फिर आपने कहा ठीक है, आपने लिखा प्रिंट एफ, पहले यूज़र को बताना भी तो पड़ेगा कि भैया एंटर करो, तो यहाँ पे स्लैश एन, आपने लिखा एंटर नंबर, ठीक? अब यहाँ से शुरू हो जाएगी स्कैन एफ। स्कैन एफ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, देखो पहली बात स्कैन एफ ये बोलता है क्या लेने वाले हो, तो आपने कहा इंटीजर लेने वाले, तो इंटीजर के लिए क्या लिखेंगे, परसेंट डी, ठीक है? फिर कॉमा, कॉमा के बाद में क्या लिखा जाता है, एड्रेस, एंड परसेंट, एंड परसेंट, हाँ जहाँ रखना चाहते हो, कहाँ रखना चाहते हो, ए में, तो ए का एड्रेस दोगे, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है? बस, और यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं, प्रिंट है, चलो परसेंट डी, और इस ए को फिर प्रिंट करके देख लेते हैं, तो ये प्रिंट भी हो जाएगा, अभी गेट सी एच वगैरह कुछ नहीं लगा रहा। तो ये भी एक तरीका होता है जहाँ पे हम लोग यूजर से पूछ रहे हैं, दो बार प्रिंटर ये पे कर लेते हैं। इसे कहते हैं इंटरैक्टिव मोड, ठीक है? समझ रहे, ठीक यस है? अब देखो ये अगर थोड़ा सा तुमको समझ में आएगा तो प्रैक्टिकली यहाँ कर देना, तो जब आप इसको प्रैक्टिकली करने जाओगे तो सी एल आर एस सी आर गेट सी एस को मैं अपनी जगह पे रहने देता हूँ, जो मुझे कोड में चेंजेस करने हैं वो यहाँ कर देते हैं। पहला सिंपल सा तरीका क्या है, ठीक है एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए, उसमें रख लेता हूँ चार, दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ मान लो फ्लोट बी, और बाद में कभी बी में रख लूँगा 4.5, ठीक है? अब हमने कहा कि एक और वेरिएबल बना लेते हैं क्या, करेक्ट। फ्लोट सी, जिसमें मैं क्या करूँगा ए प्लस बी को रखूँगा। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी डिक्लेरेशन होते हैं उसके बाद सी एल आर एस सी आर लिखा जाता है, सी में अगर कर रहे हैं आपको, अगर सी में कर रहे हो डॉट सी एक्सटेंशन है, तो आपको सी एल आर एस सी आर कहाँ रखना है, डिक्लेरेशन के बाद। ये एक थोड़ी सी कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है टर्बो सी में, लेकिन अगर सी पी पी एक्सटेंशन में होता तो सी एल आर एस सी आर को कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है? अभी हम डॉट सी एक्सटेंशन में काम कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जितना भी डिक्लेरेशन हुआ है आपको सी एल आर एस सी आर डिक्लेरेशन के बाद रखना है। तो तीन डिक्लेरेशन हुए हैं, एक ये हुआ है, एक ये हुआ है, एक ये हुआ है, अब सी एल आर एस सी आर को रखूंगा। यहाँ पे मैंने बी में कभी असाइन कर दिया 4.5, अब हमने क्या किया सी में एक काम कर लेते हैं, ए प्लस बी रख लेते हैं, तो 4.5 के साथ में 4 जुड़ेगा तो कितना बनेगा बताओ, 8.5 बनेगा। और मैंने कहा 8.5 को मैं प्रिंट कर लेता हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है ये परसेंट डी है, सॉरी परसेंट एफ है, और एफ में हम सी को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है? सबसे सिंपल तरीका, कोई एरर कोई दिक्कत देख के बताओ। डी करते तो 8 ही होता ना सर, हाँ परसेंट डी करते तो 8 ही तक लेता, 0.5 को नहीं लेता। देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अभी फिलहाल आपका बनेगा क्या 8.5, और 8.5 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है? तो ऑल्ट एफ करेंगे, सेव करेंगे, ऑल्ट आर करेंगे, रन करेंगे, तो कितना आ रहा है 8.500000, तो 1 2 3 4 5 6, करीबन पॉइंट के बाद में 6 प्लेसेज ये दिखा रहा है, ठीक है? तो मिनिमल केसेस में 6 प्लेसेज ये दिखा सकता है। अच्छा किसी ने पूछा था इसको दो दो पॉइंट तक लेके आना है, तो कुछ नहीं करना, इस परसेंट और एफ के बीच में 0.2 लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा देख लेते हैं, सेव कर लेंगे, ऑल्ट आर रन करेंगे, तो केवल डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस लिखे, तो 8.50 आया, ठीक है? उसको सर चेंज कर सकते हैं ना, 2 3 4 जितने हाँ प्लेसेस चाहिए हमें। बिल्कुल, जितने प्लेसेस चाहिए, अभी मैंने 0.2 कर रखा है, अगर आप 0.3 करना चाहो, 0.4 करना चाहो तो वो भी कर दो, जितना भी चेंजेस करोगे सेव जरूर कर लेना, ऑल्ट आर करोगे रन, अभी 4 प्लेसेस आ गया, ठीक है? अगर कुछ नहीं लगाते तो वो डिफॉल्ट आएगा, और डिफॉल्ट कितना है मेरे ख्याल से 6 प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस, ठीक है? तो ऑल्ट आर करा मैंने, सेव करा, ऑल्ट आर करा, रन करा, ठीक है? समझ में आया? ठीक,
अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे देख के बताना, समझ के बताना कि अगर मैं गलती से यहाँ पे परसेंट एफ की जगह पे परसेंट डी लिख देता तो क्या होगा? पॉइंट वाला नहीं लेगा। तब क्योंकि परसेंट डी का मतलब है इंटीजर, तो वो केवल इंटीजर पार्ट को दिखाएगा, है ना? अब सब गड़बड़ कर दिया इसने। जीरो क्यों आ गया सर? गार्बेज वैल्यू है क्या? गार्बेज नहीं, ये परसेंट डी करने के बाद में सी में देखो, सी में क्या आ गया, 4.5 या 8.5 बना, ठीक है? इसको दिखाना चाहिए था क्या, 8 दिखाना चाहिए एट था। दिखाना चाहिए था, एट दिखाया नहीं इसने, और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो कर दिया। तो दो हम यहाँ कीवर्ड ले लिए इसकी वजह से क्या सर? इसी की वजह से, ठीक है? ये थोड़ा सा बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाना सिर्फ परसेंट डी की वजह से हो गया, ठीक है? तो तो फिलहाल मतलब यहाँ कंपाइलर का प्रॉब्लम है ये। हाँ, कंपाइलर का नहीं, ये रन टाइम का फ्लर है। हो सकता है मेरे टर्बो सी में आप ये ऐसी चीज़ दिखा रहे हो, आपके टर्बो सी में ना दिखाई दे, हो सकता है वीएस कोड में अलग तरीके से दिखा दे, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है वन एनवायरनमेंट टू अनदर एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है? ये बात समझ में आई नहीं आई? इतना इनपुट लेने का तरीका, ठीक है? अच्छा, सी में कभी भी कमेंट सर लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है? इसको मैंने लिख दिया फर्स्ट वे वही एट ऑफ वाला एक नहीं समझ ऑफ हाँ, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, गेटिंग इनपुट, तुम लोग अपनी तरफ से करके देखना इसको, ठीक है? ये हो गया एक तरीका। अगर एक लाइन को कमेंट करते हैं तो ये, और पूरा ब्लॉक कमेंट करना हो तो कैसे लगाते हैं? यहाँ लगा दो स्लैश स्टार, और यहाँ पे भी लगा दो जहाँ तक ब्लॉक करना हो स्लैश स्टार, ठीक है? ये पूरा ब्लॉक हो गया। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है? यूज़र से पूछने का। तो यूज़र से पूछना है भैया ए में, तो एक इंटीजर वेरिएबल बना दो, फिर क्या लिख दो, प्रिंट एफ स्लैश एन लगा दो अपने तरफ से, एंटर नंबर लिख दिया जी, ठीक है? अब क्या लगेगा, स्कैन एफ। स्कैन एफ में क्या लगाना पड़ेगा, इंटीजर पूछना है तो परसेंट डी, और कहाँ पूछना है, एड्रेस ऑफ ए, यहाँ पे आता है एड्रेस ऑफ ए। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? माइक प्लीज ऑफ, म्यूट म्यूट करिए। देखो किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रही है, ठीक है? तो स्कैन एफ आ गया, और एड्रेस ऑफ ए आएगा। आदर्श तुम्हारा ही है क्या? देखो, म्यूट करो माइक को। चलो, आवाज आ रही है ना मेरी सबको प्रॉपर? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया सिंपल। हम लोग क्या पूछ रहे हैं, यूजर से पूछ रहे हैं, और जहाँ पूछेंगे वो चला जाएगा एड्रेस में। एड्रेस किसका है, ए का। ए के एड्रेस में चला गया सारा वैल्यू, चला गया ए के एड्रेस में। हमने पूछा था नंबर, नंबर पूछा था, इंटीजर पूछा था तो इंटे, फ्लोट पूछते तो फ्लोट ए बनाते और उसमें अपना वैल्यू डाल देते। फाइनली जो भी पूछा, अब इसको केवल प्रिंट करके देखते हैं, तो प्रिंट एफ, वही इंटीजर प्रिंट करना है तो परसेंट डी, और अभी वो वेरिएबल कहाँ है, ए में है, वो वैल्यू कहाँ है, ए में, तो ए को सीधे सीधे प्रिंट करके देख रहे हैं। तो ये तरीका हो गया आपका इनपुट का। इसके आगे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि ये इनपुट है, और ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, ये आउटपुट के लिए। अब अगर इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और चलाएंगे तो आपका प्रोग्राम इस तरीके से चलेगा। अच्छा, मैंने सी एल आर एस ई आर भी कमेंट कर दिया। तो अब सबसे पहले पूछ रहा है एंटर नंबर, ये लिखना जरूरी था पहले। प्रिंट एफ लिख करके यूजर को बताओ भी तो आप पूछना क्या चाहते हो। तो आपने बोल लिख के दिया कि एंटर नंबर, तो आप कोई नंबर आप एंटर करोगे 7। ये 7 चला जाएगा वेरिएबल ए में, और ए में जाने के बाद दूसरे प्रिंट एफ से प्रिंट हो जाएगा। तो अभी प्रिंट हो गया 7, ठीक है? तो ये हमारा है दूसरा तरीका। यहाँ पे
इसके बाद में एक बारी और लिख देते हैं सी एल आर एस सी आर। ठीक, अब मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को आप लोग के सामने पूरा करके दिखाता हूँ। तो अब आप इस कोड को पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इनपुट हम डायरेक्ट भी दे रहे हैं, इनपुट हम यूजर से भी पूछ सकते हैं। तो जैसा मर्जी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वैसा आप काम कर सकते हो। तो डायरेक्ट भी दे दिया तब भी काम हो रहा है, और अगर आप यूजर से भी पूछ रहे हो तो आपको स्कैनफ लगाना पड़ेगा और यूजर से पूछना पड़ेगा। जब आप पूछोगे तो कोई ना कोई वेरिएबल में उसको रखना है, तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा, उस वेरिएबल का एड्रेस दिया स्कैनफ को, और वहाँ पे वो वैल्यू चली जाएगी। फाइनली उस वेरिएबल में वैल्यू आ गई, उसको प्रिंट करना है। अभी आप प्रिंट करते समय यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वो सारा का सारा प्रिंट होगा एज इट इज़। जैसे परसेंट डी है, परसेंट डी तो ये बता रहा है कि इस वाले प्लेस पे किसी वेरिएबल का वैल्यू आएगा, लेकिन इससे आगे पीछे अगर आप कुछ लिखते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया द वैल्यू ऑफ ए, इससे आगे मैंने ये पूरा लिखा टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट एज इट इज़ प्रिंट होगा, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद स्पेस भी प्रिंट होगा। फिर परसेंट डी के जगह पे जो भी वेरिएबल आपने दिया राइट हैंड साइड पे कॉमा के बाद में, उसका वैल्यू प्रिंट। तो परसेंट डी इज जस्ट लाइक अ प्लेस होल्डर, ठीक है, यहाँ पे किसी न किसी का वैल्यू प्रिंट होना है। ठीक, समझ आई बात? आया? सभी प्रोग्रामिंग कर चुके हैं तो इसमें इतना बहुत डीप में जाने की बात है नहीं, वो बस एक ब्रशअप करना था, एक तुम लोग को फिर से एक प्लेटफॉर्म पे लाना था। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें तुम सब भूल रहे हो, मिस कर रहे हो, तो थोड़ा सा वो बतानी थी, तो मैंने दोबारा से तुमको ये सारी चीज़ें बता दी। देखो अभी अगर आप इसको सेव करोगे और रन करोगे तो आपका प्रोग्राम कैसे चलेगा, एंटर अ नंबर 6 और वही आपका वैल्यू प्रिंट हो गया, द वैल्यू ऑफ ए इज 6। ठीक है, लेकिन अब आप थोड़ी सी चीज़ें चेंज करो। मान लो ऑल्ट आर रन किया, यूज़र फिर भी 5.6 दबा रहा है, तो प्रिंट क्या हुआ, 5.6 आपका लॉस्ट हो जाएगा। क्यों लॉस्ट हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया हुआ है, इंटीजर। तो जब भी आप 5.6 डाल रहे थे तो केवल इंटीजर पार्ट जाएगा वेरिएबल में, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा। ये सब डिपेंड करता है कि किस तरीके का डेटा टाइप आपने यूज़ किया। तो कल हमने जो डेटा टाइप समझा था वहाँ पे हमने ये अंडरस्टैंडिंग ली है कि किस तरीके का डेटा आप लेना चाहते हो, उस हिसाब से वो पर्टिकुलर वो करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको खेलना है 4.5 के साथ में तो भैया फ्लोट डेटा टाइप लो, अगर आपको खेलना है 4 के साथ में तो इंटीजर लो, और अगर आपको कैरेक्टर के साथ में लिखना है तो कैर लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम बनते हैं। तो इनपुट और आउटपुट समझ में आ गया, टू वेज, ये दूसरा वाला तरीका है, सेकेंड वे ऑफ गेटिंग इनपुट। ठीक है, तो अपने प्रोग्राम में हम लोग इनपुट कैसे देते हैं, तो एक तो डायरेक्ट तरीका है और एक है यूजर से पूछने वाला तरीका। जहाँ पे भी आपको कंफर्ट हो रहा हो आप वो यूज़ कर सकते हो, बाकी भी आप उसके साथ में प्लस माइनस कर रहे होते हो और फाइनली आप आउटपुट दिखा रहे होते हो। अगर आपको कुछ नहीं प्रिंट करना है, केवल वैल्यू प्रिंट करनी है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दो। अगर स्टेटमेंट के साथ में प्रिंट करते हो तो बहुत रीडेबल होगा कोड, अच्छे से रीड होगा और सामने यूज़र को भी दिखाई देगा कि अच्छा आउटपुट ये आया, तो इस तरीके से आपका आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक है, ठीक है, अब किसी को डाउट हो अभी तक यहाँ तक आज के सेशन में, आज इतना ही करते हैं क्योंकि इसके बाद